स्टोरी विद बिनाका, सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है मुंशी प्रेमचंद की कहानी लैला। ये कोई नहीं जानता कि लैला कौन है, कहां से आई है और क्या करती है। एक दिन लोगों ने एक अनुपम सुंदरी को तेहरान के चौक में अपने डफ पर हाफिज की गजल झूम झूम कर गाते सुना और सारा तेहरान उस पर फिदा हो गया। यही थी लैला। लैला के रूप लालित्य की कल्पना करनी हो तो उषा की प्रफुल्ल लालिमा की कल्पना कीजिए। जब नील स्वर्ण प्रकाश से रंजित हो जाता है, बाहर की कल्पना कीजिए। जब बाग में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं और बुलबुलें गाती है, लैला के स्वर लालित्य की कल्पना करनी हो तो उस घंटी की अनवरत ध्वनि की कल्पना कीजिए जो निशा की निस्तब्धता में ऊंटों की गर्दन में बजती हुई सुनाई देती है, या फिर उस बांसुरी की ध्वनि की जो मध्याह्न की अलसाई शांति में किसी वृक्ष की छाया में लेटे हुए चरवाहे के मुख से निकलती है। जिस वक्त लैला मस्त होकर गाती थी, उसके मुख पर एक स्वर की आभा झलकने लगती। वो काव्य संगीत सौरभ और सुषमा की एक मनोहर प्रतिमा थी, जिसके सामने छोटे बड़े अमीर गरीब सभी के सिर झुक जाते थे, सभी मंत्र मुग्ध हो जाते थे। वो उस आने वाले समय का संदेश सुनाती जब देश में संतोष और प्रेम का साम्राज्य होगा, जब द्वंद और संग्राम का अंत हो जाएगा। वो राजा को जगाती और कहती, ये विलासिता कब तक, ये ऐश्वर्य भोग कब तक। वो प्रजा की सोई हुई अभिलाषाओं को जगाती, उनकी हस्तियों को अपने स्वर से कंपित कर देती। वो उन अमर वीरों की कीर्ति सुनाती जो दीनों की पुकार सुनकर विकल हो जाते थे। वो उन विदुषियों की महिमा गाती जो कुल मर्यादा पर मर मिटी थी। उसकी अनुरक्त ध्वनि सुनकर लोग दिलों को थाम लेते थे, तड़प जाते थे। सारा तेहरान लैला पर फिदा था। दलितों के लिए वो एक आशा का दीपक थी, रसिकों के लिए जन्नत की हूर, धनियों के लिए आत्मा की जागृति और सत्ताधारियों के लिए दया और धर्म का संदेश। उसके एक इशारे पर जनता आग में कूद सकती थी, जैसे चैतन्य जड़ को आकर्षित कर लेता है, उसी भांति लैला ने जनता को आकर्षित कर लिया था। उसका ये अनुपम सौंदर्य सुधा की भांति पवित्र, हिम के समान निष्कलंक और नव कुसुम की भांति अनिग्ध था। उसके लिए प्रेम कटाक्ष, एक भेद भरी मुस्कान, एक रसीली अदा पर क्या न हो जाता। कंचन के पर्वत खड़े हो जाते, ऐश्वर्य उपासना करता, रियासतें पैर की धूल चाटती, कवि कट जाते, विद्वान घुटने टेकते, लेकिन लैला किसी की ओर एक आंख उठाकर भी न देखती थी। वो एक वृक्ष की छांव में रहती, भिक्षा मांगकर खाती और अपनी हृदय वीणा के राग अलापती थी। वो कवि की सूक्ति की भांति केवल आनंद और प्रकाश की वस्तु थी, भोग की नहीं। वो ऋषियों के आशीर्वाद की प्रतिमा थी, कल्याण में डूबी हुई, शांति में रंगी हुई। कोई उसे स्पर्श नहीं कर सकता था, उसे मोल नहीं ले सकता था। एक दिन संध्या का समय था, तेहरान का शहजादा नादिर घोड़े पर सवार उधर से निकला। लैला गा रही थी, नादिर ने घोड़े की बाग रोक ली और देर तक आत्म विस्मृत की दशा में खड़ा सुनता रहा और फिर घोड़े से उतरकर वहीं जमीन पर बैठ गया और सिर झुकाए रोता रहा। जब गजल खत्म हुई तब वो उठा और लैला के पास जाकर उसके कदमों में सिर रख दिया। लोग अदब से इधर उधर हट गए। लैला ने पूछा, तुम कौन हो,
मुझसे क्या चाहते हो? नादिर, आपकी खिदमत करने का हुक्म। मेरे झोंपड़े को अपने कदमों से रोशन कीजिए। लैला ने कहा, ये मेरी आदत नहीं। शहजादा वहीं बैठ गया। लैला फिर से गाने लगी, लेकिन उसका गला थर्राने लगा मानो वीणा का कोई तार टूट गया हो। उसने नादिर की ओर करुणा नेत्रों से देखकर कहा, तुम यहां मत बैठो। कई आदमियों ने कहा, लैला, ये हमारे हुजूर शहजादा नादिर हैं। लैला बेपरवाही से बोली, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन यहाँ शहजादों का क्या काम? उनके लिए महल है, महफिलें हैं और शराब के दौर हैं। मैं तो उनके लिए गाती हूँ जिनके दिल में दर्द है, उनके लिए नहीं जिनके दिल में शौक है। शहजादे ने उन्मुक्त भाव से कहा, लैला, तुम्हारी एक तान पर अपना सब कुछ निसार कर सकता हूँ। मैं शौक का गुलाम था, लेकिन तुमने दर्द का मजा चखा दिया। लैला फिर गाने लगी, लेकिन आवाज काबू में न थी, मानो वो उसका गला था ही नहीं। लैला ने डफ कंधे पर रख लिया और अपने डेरे की ओर चली। श्रोता अपने अपने घर चले गए। कुछ लोग उसके पीछे उस वृक्ष तक भी गए जहां वो विश्राम करती थी। पर जब वो अपनी झोंपड़ी के द्वार पर पहुंची, तब सभी आदमी विदा हो चुके थे। केवल एक व्यक्ति झोंपड़ी के कई हाथ पर चुपचाप खड़ा था। लैला ने पूछा, तुम कौन हो? नादिर ने कहा, तुम्हारा गुलाम नादिर। लैला बोली, तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं अपने अमन के गोशे में किसी को नहीं आने देती? नादिर बोला, ये तो मैं देख ही रहा हूं। लैला ने पूछा, फिर क्यों बैठे हो? नादिर ने जवाब दिया, उम्मीद दामन पकड़े हुए है। लैला ने कुछ देर बाद फिर पूछा, कुछ खाकर आए हो? नादिर ने जवाब दिया, अब तो न भूख है न प्यास। लैला ने कहा, आओ आज तुम्हें गरीबों का खाना खिलाऊं, इसका मजा भी चख लो। नादिर इनकार न कर सका। आज उसे बाजरे की रोटियों में अभूतपूर्व स्वाद मिला। वो सोच रहा था कि विश्व के इस विशाल भवन में कितना आनंद है। उसे अपनी आत्मा में विकास का अनुभव हो रहा था। जब वो खा चुका, तब लैला ने कहा, अब जाओ, आधी रात से ज्यादा गुजर गई है। नादिर ने आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं लैला, अब मेरा आसन यहीं जमेगा। नादिर दिन भर लैला के नगमे सुनता, गलियों में, सड़कों पर, जहां भी वो जाती उसके पीछे पीछे घूमता रहता और रात को उसी पेड़ के नीचे जाकर पड़ा रहता। बादशाह ने समझाया, मलका ने समझाया, उमरा ने मिन्नतें की, लेकिन नादिर के सिर से लैला का सौदा न गया। जिन हालों में लैला रहती थी, उसी हालों में वो भी रहता। मलका उसके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाकर भेजती, लेकिन नादिर उसकी ओर देखता भी न था। लैला के संगीत में अब वो क्षुधा न थी, वो टूटे हुए तारों का राग था, जिसमें न लोच था, न वो जादू, न वो असर। वो अब भी गाती थी, सुनने वाले अब भी आते थे, लेकिन अब वो अपना दिल खुश करने को नहीं, उनका दिल खुश करने के लिए गाती थी, और सुनने वाले विहल होकर नहीं, उसको खुश करने के लिए आते थे। इस तरह 6 महीने गुजर गए। एक दिन लैला गाने न गई। नादिर ने कहा, क्यों लैला, आज गाने न चलोगी? लैला ने कहा, अब कभी न जाऊंगी। सच कहना, क्या अब भी मेरे गाने में पहले सा ही मजा आता है? नादिर बोला, पहले से कहीं ज्यादा। लैला ने कहा, लेकिन और लोगों को तो अब मजा नहीं आता, वे मुझे पसंद नहीं करते। नादिर बोला, हां मुझे इसका ताज्जुब है। लैला ने कहा, ताज्जुब की बात नहीं, पहले मेरा दिल खुला हुआ आकाश था, उसमें सबके लिए जगह थी, वो सबके दिलों तक पहुंचती थी। अब तुमने उसका दरवाजा बंद कर दिया है, अब वहां सिर्फ तुम हो,
इसलिए उसकी आवाज तुम्ही को पसंद आती है। ये दिल अब तुम्हारे सिवा और किसी के काम का नहीं रहा। चलो, आज तक तुम मेरे गुलाम थे, आज से मैं तुम्हारी दासी होती हूँ। चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी, आज से तुम मेरे मालिक हो। थोड़ी सी आग लेकर इस झोंपड़े में लगा दो, इस डफ को भी उसी में जला दूंगी। तेहरान में घर घर आनंदोत्सव हो रहा था। आज शहजादा नादिर लैला को ब्याह कर लाया था। बहुत दिनों के बाद उसके दिल की मुराद पूरी हुई थी। सारा तेहरान शहजादे पर जान देता था और उसकी खुशी में शरीक था। बादशाह ने तो अपनी तरफ से मुनादी करवा दी थी कि इस शुभ अवसर पर धन और समय का अपव्यय नहीं किया जाए, केवल लोग मस्जिदों में जमा होकर खुदा से दुआ मांगें कि वर और वधु चिरंजीवी हों और सुख से रहें। लेकिन अपने प्यारे शहजादे की शादी में धन और धन से अधिक मूल्यवान समय का मुंह देखना किसी को गंवारा न था। रईसों ने महफिलें सजाई, चिराग जलाए, बाजे बजवाए, गरीबों ने अपनी डफलियां संभाली और सड़कों पर घूम घूम कर उछलते कूदते फिर रहे थे। संध्या के समय शहर के सारे अमीर और रईस शहजादे को बधाई देने के लिए दीवाने खास में जमा हुए। शहजादा इत्रों से महकता, रत्नों से चमकता और मनोल्लास से खिलता हुआ आकर खड़ा हो गया। काजी ने अर्ज की, हुजूर पर खुदा की बरकत हो। हजारों आदमियों ने कहा, आमीन। शहर की ललनाएं भी लैला को मुबारक देने आई। लैला बिल्कुल सादे कपड़े पहने थी, आभूषणों का तो कहीं नाम ही ना था। एक महिला ने कहा, आपका सुहाग सदा सलामत रहे। हजारों कंठों की ध्वनियां निकली, आमीन। कई साल गुजर गए, नादिर अब बादशाह था और लैला उसकी मलका। ईरान का शासन इतने सुचारू रूप से कभी न हुआ था। दोनों ही प्रजा के हितैषी थे, दोनों ही उसे सुखी और संपन्न देखना चाहते थे। प्रेम ने वे सभी कठिनाइयां दूर कर दी जो लैला को पहले शंकित करती थी। नादिर राज सत्ता का वकील था, लैला प्रजा सत्ता के। लेकिन व्यवहारिक रूप से उनमें कोई भी भेद न पड़ता था। कभी ये दब जाता, कभी वो हट जाती। उनका दाम्पत्य जीवन आदर्श था। नादिर लैला का रुख देखता, लैला नादिर का। काम से अवकाश मिलता तो दोनों बैठकर गाते बजाते, कभी नदियों की सैर करते, कभी कभी वृक्ष की छांव में बैठे हुए हाफिज की गजलें पढ़ते और झूमते। न लैला में अब उतनी सादगी थी, न नादिर में अब उतना तकल्लुफ था। नादिर का लैला पर एकाधिपत्य था, जो साधारण बात थी। जहां बादशाहों की महल सरा में बेगमों के मोहल्ले बसते थे, दर्जनों और कौड़ियों से उनकी गणना होती थी, वहां लैला अकेली थी। उन महलों में अब शफाखाने, मदरसे और पुस्तकालय थे। जहां महलसरों का वार्षिक व्यय करोड़ों तक पहुंचता था, वहां अब हजारों के आगे न बढ़ता था। शेष रुपए प्रजाहित के कार्यों में खर्च कर दिए जाते थे। ये सारी कतर ब्योत लैला ने की थी। बादशाह नादिर था, पर अख्तियार लैला के हाथों में था। सब कुछ था, किंतु प्रजा संतुष्ट न थी। उनका असंतोष दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। राज सत्तावादियों को भय था, अगर यही हाल रहा तो बादशाहत के मिट जाने में संदेह नहीं। जमशेद का लगाया हुआ वृक्ष, जिसने हजारों सदियों से आंधी और तूफान का मुकाबला किया था, अब एक हसीना के नाजुक लेकिन कातिल हाथों जड़ से उखाड़ा जा रहा है। उधर प्रजा सत्तावादियों को लैला से कितनी ही आशाएं थी, सभी दुराशाएं सिद्ध हो रही थी। वे कहते, अगर ईरान इस चाल से तरक्की के रास्ते पर चलेगा तो इससे पहले कि वो मंजिले मकसूद पर पहुंचे, कयामत आ जाएगी। दुनिया हवाई जहाज में बैठी उड़ रही थी और हम अभी ठेलों पर बैठने में भी डरते हैं कि कहीं हरकत से दुनिया में भूचाल न आ जाए।
दोनों दलों में आए दिन लड़ाइयां होती रहती थी। न नादिर के समझाने का असर अमीरों पर होता, न लैला के समझाने का गरीबों पर। सामंत नादिर के खून के प्यासे हो गए थे और प्रजा लैला की जानी दुश्मन। राज्य में तो अशांति फैली हुई थी, विद्रोह की आग दिलों में सुलग रही थी और राजभवन में प्रेम का शांतिमय राज्य था। बादशाह और मलका दोनों प्रजा संतोष की कल्पना में मग्न थे। रात का समय नादिर और लैला आराम गाह में बैठे शतरंज की बाजी खेल रहे थे। कमरे में कोई सजावट न थी, केवल एक जाजम बिछी हुई थी। नादिर ने लैला का हाथ पकड़ कर कहा, अब ये जास्ती नहीं, तुम्हारी चाल हो चुकी, ये देखो तुम्हारा प्यादा पिट गया। लैला मुस्कुराई, अच्छा ये शय, आपके सारे पैदल रखे रह गए और बादशाह पर शय पड़ गई, इसी पर दावा था। नादिर बोला, तुम्हारे साथ हारने में जो मजा है वो जीतने में नहीं। लैला हंसने लगी। लैला बोली, अच्छा तो गोया आप दिल खुश कर रहे हैं, शह बचाइए नहीं तो दूसरी चाल में मात होती है। नादिर अकड़ कर बोला, अच्छा अब संभल कर जाना, तुमने मेरे बादशाह की तोहीन की है, एक बार मेरा फर्जी उठा तो तुम्हारे प्यादों का सफाया कर देगा। लैला बोली, बसंत की भी खबर है, ये शह लीजिए, फर्जी अब कहिए, अब की तो मैं न मानूंगी, कह देती हूँ आपको दो बार छोड़ दिया, अब की बार हरगिज न छोड़ूंगी। नादिर बोला, जब तक मेरा दिलराम यानी घोड़ा है बादशाह को कोई गम नहीं। लैला ने अपनी चाल चली, अच्छा तो लीजिए शह, लाइए अपने दिलराम को। क्यों कहिए, अब तो मात हुई ना। नादिर बोला, हां जाने मन अब मात हो गई, जब मैं ही तुम्हारी अदाओं पर निसार हो गया हूं तो मेरा बादशाह कब तक बच सकता था। लैला ने कहा, बातें न बनाइए, चुपके से इस फरमान पर दस्तखत कर दीजिए जैसा आपने वादा किया था। ये कहकर लैला ने फरमान निकाला जिसे उसने खुद अपने मोती के से अक्षरों में लिखा था। इसमें अन्न का आयात कर घटाकर आधा कर दिया गया था। लैला प्रजा को भूली न थी, वो अब भी उनकी हित कामना में संलग्न थी। नादिर ने इस शर्त पर फरमान पर दस्तखत करने का वचन दिया कि लैला उसे शतरंज में 3 बार मात करे। वो सिद्ध हस्त खिलाड़ी था, इसे लैला जानती थी, पर ये शतरंज की बाजी न थी, केवल विनोद था। नादिर ने मुस्कुराते हुए फरमान पर हस्ताक्षर कर दिए। कलम के एक चिन्ह से प्रजा की 5 करोड़ वार्षिक कर से मुक्ति हो गई। लैला का मुख गर्व से आरक्त हो गया। वो काम बरसों से आंदोलन न कर सकता था, वो प्रेम कटाक्षों से कुछ ही दिनों में पूरा हो गया। ये सोचकर वो फूली न समाती थी, जिस वक्त ये फरमान सरकारी पत्रों में प्रकाशित हो जाएगा और व्यवस्थापिका के लोगों को इसके दर्शन होंगे, उस वक्त प्रजावादियों को कितना आनंद होगा, लोग मेरा यश गाएंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। नादिर प्रेम मुक्त होकर उसके चंद्रमुख की ओर देख रहा था और मानो उसका वश होता तो सौंदर्य की इस प्रतिमा को अपने हृदय में बिठा लेता। सहसा राजभवन के द्वार पर शोर मचने लगा। एक क्षण में मालूम हुआ कि जनता का टिड्डी दल अस्त्र शस्त्र लेकर राज द्वार पर खड़ा दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। प्रतिक्षण शोर बढ़ता ही जा रहा था और ऐसी आशंका थी कि क्रोध में जनता द्वारों को तोड़कर भीतर घुस जाएगी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि कुछ लोग सीढ़ियां लगाकर दीवार पर चढ़ रहे हैं। लैला लज्जा और ग्लानी से सिर झुकाए खड़ी थी, उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकलता था। क्या यही वो जनता है जिनके कष्टों की कथा कहते हुए उसकी वीणा उन्मुक्त हो जाती थी? यही वो असक्त दलित क्षुधा पीड़ित अत्याचार की वेदना से तड़पती हुई जनता है जिस पर वो अपने को अर्पण कर चुकी थी? लज्जा से नहीं,
क्रोध से उसका मुंह तमतमा उठा था, आंखों से चिंगारियां निकल रही थी, बार बार होठ चबाता और तलवार के कब्जे पर हाथ रखकर रह जाता। वो बार बार लैला की ओर संतप्त नजरों से देखता था। जरा से इशारे की देर थी, उसका हुक्म पाते ही उसकी सेना इस विद्रोही दल को यूं भगा देगी जैसे आंधी पत्तों को उड़ा देती है। पर लैला से आंखें न मिलती थी। आखिर वो अधीर होकर बोला, लैला, मैं रात सेना को बुलाना चाहता हूँ, क्या कहती हो? लैला ने दीनता पूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, जरा ठहर जाइए, पहले इन लोगों से पूछिए कि क्या चाहते हैं। ये आदेश पाते ही नादिर छत पर चढ़ गया, लैला भी उसके पीछे पीछे ऊपर आ पहुंची। दोनों अब जनता के सम्मुख आकर खड़े हो गए। मशालों के प्रकाश में लोगों ने इन दोनों को छत पर खड़े देखा, मानो आकाश से देवता उतर आए हों। सहस्त्रों कंठों से ध्वनि निकली, वो खड़ी लैला, वो खड़ी। ये वही जनता थी जो लैला के मधुर संगीत पर मस्त हो जाया करती थी। नादिर ने उच्च स्वर से विद्रोहियों को संबोधित किया, ए ईरान की बदनसीब रियाया, तुमने शाही महल को क्यों घेर रखा है? क्यों बगावत का झंडा खड़ा किया है? क्या तुमको मेरा और अपने खुदा का बिल्कुल खौफ नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपनी आंखों के एक इशारे से तुम्हारी हस्ती को खाक में मिला सकता हूँ? मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि एक लम्हे के अंदर यहाँ से चले जाओ, वरना कला में पाक की कसम मैं तुम्हारे खून की नदी बहा दूंगा। एक आदमी ने कहा, जो विद्रोहियों का नेता मालूम होता था, सामने आकर बोला, हम उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक शाही महल लैला से खाली नहीं हो जाएगा। नादिर ने बिगड़ कर कहा, ओ नाशुक्रों, खुदा से डरो, तुम्हें अपनी मलका की शान में ऐसी बेअदमी करते हुए शर्म नहीं आती? जब से लैला तुम्हारी मलका हुई है, उसने तुम्हारे साथ कितनी रियायतें की है, क्या उन्हें तुम बिल्कुल भूल गए? जालिमो, वो मलका है, पर वो वही खाती है जो तुम कुत्तों को खिला दिया करते हो, वही कपड़े पहनती है जो तुम फकीरों को दे देते हो। आकर महल सरा में देखो, तुम इसे अपने झोंपड़े की ही तरह तकल्लुफ और सजावट से खाली पाओगे। लैला तुम्हारी मलका होकर भी फकीरी की जिंदगी बसर करती है, तुम्हारी खिदमत में मस्त रहती है। तुम्हें उसके कदमों की खाक माथे पर लगानी चाहिए, आंखों का सुरमा बनाना चाहिए। ईरान के तख्त पर कभी गरीबों पर जान देने वाली, उनके दर्द में शरीक होने वाली, गरीबों पर अपने को निसार करने वाली मलका ने कदम नहीं रखे, और उसकी शान में तुम ऐसी बेहुदा बातें करते हो। अफसोस, मुझे मालूम हो गया कि तुम जाहिल, इंसानियत से खाली और कमीने हो। तुम इसी काबिल हो कि तुम्हारी गर्दनें कुंद छुरी से काटी जाएं, तुम्हें पैरों तले रौंद दिया जाए। नादिर ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि विद्रोहियों में से एक स्वर ने चिल्लाकर कहा, लैला, लैला हमारी दुश्मन है, हम उसे अपनी मलका की सूरत में नहीं देख सकते। नादिर ने जोर से चिल्लाकर कहा, जालिमो, जरा खामोश हो जाओ, ये देखो वो फरमान जिस पर लैला ने अभी अभी मुझसे जबरदस्ती दस्तखत कराए हैं। आज से गल्ले का महसूल घटाकर आधा कर दिया गया है, और तुम्हारे सिर से महसूल का बोझ 5 करोड़ कम हो गया है। हजारों आदमियों ने शोर मचाया, ये महसूल बहुत पहले बिल्कुल माफ हो जाना चाहिए था, हम एक कौड़ी नहीं दे सकते। लैला, लैला, हम उसे अपनी मलका की सूरत में नहीं देख सकते। अब बादशाह क्रोध से कांपने लगा। लैला ने सजल नेत्र होकर कहा, अगर रियाया की यही मर्जी है तो मैं फिर अपना डफ बजाकर गाती फिरती रहूंगी, मुझे कोई हर्ज नहीं। मुझे यकीन है कि मैं अपने गाने से एक बार फिर इनके दिलों पर हुकूमत कर सकती हूँ। नादिर उत्तेजित होकर बोला, लैला, मैं रियाया के तुनक मिजाजियों का गुलाम नहीं। इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने पहलू से जुदा करूं, तेहरान की गलियां खून से लाल हो जाएंगी।
मैं इन बदमाशों को इनकी शरारत का मजा चखाता हूँ। नादिर ने मीनार पर चढ़कर खतरे का घंटा बजाया। सारे तेहरान में उसकी आवाज गूंज उठी, पर शाही फौज का एक भी आदमी नजर नहीं आया। नादिर ने घंटा दोबारा बजाया। आकाशमंडल उसकी झंकार से कंपित हो गया। तारागण कांप उठे, पर एक भी सैनिक न निकला। नादिर ने अब तीसरी बार घंटा बजाया, पर इसका भी उत्तर केवल एक क्षीण प्रतिध्वनि ने दिया, मानो किसी मरने वाले की अंतिम प्रार्थना के शब्द हों। नादिर ने माथा पीट लिया, समझ गया कि बुरे दिन आ गए हैं। अब भी लैला को जनता के दुराग्रह पर बलिदान करके वो अपनी राज सत्ता की रक्षा कर सकता था, पर लैला उसे प्राणों से अधिक प्रिय थी। उसने छत पर आकर लैला का हाथ पकड़ लिया और उसे लिए हुए सदर फाटक से निकला। विद्रोहियों ने एक विजय ध्वनि के साथ उसका स्वागत किया, पर सब के सब किसी गुप्त प्रेरणा के वश रास्ते से हट गए। दोनों चुपचाप तेहरान की गलियों से होते हुए चले जाते थे। चारों ओर अंधकार था, दुकानें बंद थी, बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ था, कोई घर से बाहर न निकला। फकीरों ने भी मस्जिदों में पनाह ले ली थी, पर इन दोनों प्राणियों के लिए कोई आश्रय न था। नादिर की कमर में तलवार थी, लैला के हाथ में डफ था, यही उनके विशाल ऐश्वर्य का विलुप्त चिन्ह था। पूरा साल गुजर गया। लैला और नादिर देश विदेश की खाक छानते फिरते थे। समरकंद और बुखारा, बगदाद और हलब, काहिर और अदन, ये सारे देश उन्होंने छान डाले। लैला की डफ पुनः जादू करने लगी। उसकी आवाज सुनते ही शहर में हलचल मच जाती, आदमियों का मेला लग जाता, आवभगत होने लगी। लेकिन ये दोनों यात्री कहीं भी एक दिन से ज्यादा न ठहरते, न किसी से कुछ मांगते, न किसी के द्वार पर जाते, केवल रूखा सूखा भोजन कर लेते और कभी किसी वृक्ष के नीचे, कभी पर्वत की गुफा में और कभी सड़क के किनारे रात काट देते। संसार के कठोर व्यवहार ने उन्हें विरक्त कर दिया था। उनके प्रलोभन से कोसों दूर भागते थे। उन्हें अनुभव हो गया था कि यहाँ जिसके लिए प्राण अर्पण कर दो वही अपना शत्रु हो जाता है, जिसके लिए भलाई करो वही बुराई पर कमर बांधता है। यहाँ किसी से दिल न लगाना चाहिए। उसके पास बड़े बड़े रईसों के निमंत्रण आते, उन्हें एक दिन अपना मेहमान बनाने के लिए हजारों लोग मन्नतें करते, पर लैला किसी की नहीं सुनती। नादिर को अब तक कभी कभी बादशाहत की सनक सवार हो जाती थी। वो चाहता था कि गुप्त रूप से शक्ति संग्रह करके तेहरान पर चढ़ जाऊं और बागियों को परास्त करके अखंड राज करूं, पर लैला की उदासीनता देखकर उसे किसी से मिलने जुलने का साहस न होता। लैला उसकी प्राणेश्वरी थी, वो उसी के इशारों पर चलता था। उधर ईरान में भी अराजकता फैल गई। जनसत्ता से तंग आकर रईसों ने भी फौजें जमा कर ली थी और दोनों दलों में आए दिन संग्राम होता था। पूरा साल गुजर गया और खेत न जुते। देश में भीषण अकाल पड़ा हुआ था, व्यापार शिथिल था, खजाना पूरा खाली। दिन दिन जनता की शक्ति घटती जाती थी और रईसों का जोर बढ़ता जाता था। आखिर यहाँ तक नौबत पहुंच गई कि जनता ने हथियार डाल दिए और रईसों ने राजभवन पर अपना अधिकार जमा लिया। प्रजा के नेताओं को फांसी दे दी गई, कितने ही कैद कर लिए गए और जनसत्ता का अंत हो गया। शक्तिवादियों को अब नादिर की याद आई। ये बात अनुभव से सिद्ध हो गई कि देश में प्रजातंत्र स्थापित करने की क्षमता का अभाव है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इस अवसर पर राज सत्ता ही देश का उद्धार कर सकती है। ये भी बात मानी हुई थी कि लैला और नादिर को जनमत से विशेष प्रेम न होगा। वे सिंहासन पर बैठकर भी रईसों की ही हाथ की कठपुतली बने रहेंगे और रईसों को प्रजा पर मन माने अत्याचार करने का अवसर मिल जाएगा। अतः आपस में लोगों ने सलाह की और प्रतिनिधि नादिर को मना लेने के लिए रवाना हुए।
संध्या का समय था। लैला और नादिर दशमिक में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। आकाश पर लालिमा छाई हुई थी और उससे मिली हुई पर्वतमालाओं की श्याम रेखा में ऐसी मालूम हो रही थी मानो कमल दल मुरझा गया हो। लैला उल्लसित नेत्रों से प्रकृति की यह शोभा देख रही थी। नादिर मलिन और चिंतित भाव से लेटा हुआ सामने के सुदूर प्रांत की ओर तृष्णित नेत्रों से देख रहा था मानो इस जीवन से तंग आ गया हो। सहसा बहुत दूर गर्द उड़ती हुई दिखाई दी और एक क्षण में ऐसा मालूम हुआ कि कुछ आदमी घोड़ों पर सवार चले आ रहे हैं। नादिर उठ बैठा और गौर से देखने लगा कि ये आदमी कौन है। अकस्मात वो उठकर खड़ा हो गया। उसका मुखमंडल दीपक की भांति चमक उठा। जर्जर शरीर में एक विचित्र स्फूर्ति दौड़ गई। वो उत्सुकता से देखकर बोला, लैला ये तो ईरान के आदमी हैं। कलामे पाक की कसम, ये ईरान के आदमी हैं। इनके लिबास से साफ जाहिर हो रहा है। लैला ने भी उन यात्रियों की ओर देखा और सचेत होकर बोली, अपनी तलवार संभाल लो, शायद उसकी जरूरत पड़े। नादिर बोला, नहीं लैला, ईरान के लोग इतने कमीने नहीं हैं कि अपने बादशाह पर तलवार उठाएं। लैला बोली, पहले मैं भी यही समझती थी। सवारों ने समीप आकर घोड़े रोक लिए और उतरकर बड़े अदब से नादिर को सलाम किया। नादिर बहुत जब्त करने पर भी अपने मनोवेगों को रोक न सका, दौड़कर उनके गले से लिपट गया। वो अब बादशाह न था, ईरान का एक मुसाफिर था। बादशाहत मिट गई थी परंतु ईरानियत रोम रोम में भरी हुई थी। ये तीनों आदमी इस समय ईरान के विधाता थे। इन्हें वो खूब पहचानता था। उनकी स्वामी भक्ति की कई बार परीक्षा ले चुका था। उन्हें लाकर अपने बोरिये पर बिठाना चाहा, लेकिन वे जमीन पर ही बैठे। उनकी दृष्टि से ये बोरिया भी उस समय सिंहासन था जिस पर अपने स्वामी के सम्मुख वे कदम न रख सकते थे। बातें होने लगी। ईरान की दशा अत्यंत सोचनीय थी। लूटमार का बाजार गर्म था। न कोई व्यवस्था थी, न व्यवस्थापक थे। अगर यही दशा रही तो शायद बहुत ही जल्द उनकी गर्दन में पराधीनता का जुआ पड़ जाएगा। देश अब नादिर को ढूंढ रहा था। उसके सिवा कोई दूसरा उस डूबते हुए बेड़े को पार नहीं लगा सकता था। इसी आशा से ये लोग उसके पास आए थे। नादिर ने विरक्त भाव से कहा, एक बार इज्जत ले ली, क्या इस बार जान लेने की सोची है? मैं बड़े आराम से हूँ, आप मुझे परेशान न करें। सरदारों ने आग्रह करना शुरू किया, हम हुजूर का दामन न छोड़ेंगे। यहाँ अपनी गर्दनों पर छुरी फेर कर हुजूर के कदमों में जान दे देंगे। जिन बदमाशों ने आपको परेशान किया था अब उनका कहीं भी नामो निशान न रहा। हम लोग उन्हें कभी सिर नहीं उठाने देंगे, सिर्फ हुजूर की आड़ चाहिए। नादिर ने बात काट कर कहा, साहबों अगर आप मुझे इस इरादे से ईरान का बादशाह बनाना चाहते हैं तो माफ कीजिए। मैंने इस सफर में रियाया की हालत का गौर से मुआयना किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सभी मुल्कों से उनकी हालत खराब है। वे रहम के काबिल हैं। ईरान में मुझे कभी ऐसे मौके नहीं मिले थे। मैं रियाया को अपने दरबारियों की आंख से देखता था। मुझसे आप लोग ये उम्मीद न रखिए कि रियाया को लूटकर आपकी जेबें भरूंगा। मैं इंसाफ का मीजान बनकर रहूंगा और इसी शर्त पर ईरान चल सकता हूँ। लैला ने मुस्कुरा कर कहा, तुम रियाया का कसूर माफ कर सकते हो क्योंकि उनकी तुमसे कोई दुश्मनी न थी। उनके दांत तो मुझ पर थे, मैं उन्हें कैसे माफ कर सकती हूँ। नादिर ने गंभीर भाव से कहा, लैला मुझे यकीन नहीं आता कि तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुन रहा हूँ। लोगों ने समझा अभी उन्हें भड़काने की जरूरत ही क्या है, ईरान चलकर देखा जाएगा। दो चार मुखबिरों से रियाया के नाम पर ऐसे उपद्रव खड़े करवा देंगे कि इनके सारे ख्याल पलट जाएंगे। एक सरदार ने अर्ज की, माजल्लाह हुजूर ये क्या फरमाते हैं? क्या हम इतने नादान हैं कि हुजूर को इंसाफ के रास्ते से हटाना चाहेंगे?
इंसाफ ही बादशाह का जौहर है और हमारी दिली आरजू है कि आप इंसाफ को शर्मिंदा नहीं करेंगे। हमारी मंशा सिर्फ यही है कि आइंदा से हम रियाया को कभी ऐसा मौका नहीं देंगे कि हुजूर की शान में वो बेअदबी कर सकें। सहसा ऐसा मालूम हुआ कि सारी प्रकृति संगीतमय हो गई। पर्वत और वृक्ष, तारे और चांद, वायु और जल सभी एक स्वर में गाने लगे। चांदनी के निर्मल छटा में, वायु के नीरव प्रवाह में संगीत की तरंगें उठने लगी। लैला अपना डफ बजाकर गा रही थी। आज मालूम हुआ ध्वनि ही सृष्टि का मूल है। पर्वतों पर देवियां निकल निकल कर नाचने लगी, आकाश पर देवता नृत्य करने लगे। संगीत ने एक नया संसार रच डाला। उसी दिन से जबकि प्रजा ने राजभवन के द्वार पर उपद्रव मचाया था और लैला के निर्वासन पर आग्रह किया था, लैला के विचारों में क्रांति हो गई थी। जन्म से ही उसने जनता के साथ सहानुभूति करना सीखा था। वो राज कर्मचारियों को प्रजा पर अत्याचार करते देखती तो उसका कोमल हृदय तड़प उठता था। तब धन, ऐश्वर्य और विलास से उसे घृणा होने लगी थी, जिसके कारण प्रजा को इतने कष्ट भोगने पड़े। वो अपने में से किसी ऐसी शक्ति का आह्वान करना चाहती थी जो आततायियों के हृदय में दया और प्रजा के हृदय में अभय का संचार कर सके। उसकी बाल कल्पना उसे एक सिंहासन पर बिठा देती जहां वो अपनी न्याय नीति से संसार में युगांतर उपस्थित कर देती। कितनी ही रातें उसने यही स्वप्न देखने में काटी थी, कितनी बार वो अन्याय पीड़ितों के सिरहाने बैठकर रोई थी। लेकिन जब एक दिन ऐसा आया, उसके स्वर्ण सपने आंशिक रीति से पूरे होने लगे, तब उसे एक नया और कठोर अनुभव हुआ। उसने देखा कि प्रजा इतनी सहनशील, इतनी दीन और इतनी दुर्बल नहीं है जितना वो समझती थी। इसकी अपेक्षा उसमें ओछेपन, अविचार और अशिष्टता की मात्रा कहीं अधिक है। वो सद्व्यवहार की कद्र करना जानती ही नहीं, शक्ति पाकर उसका सदुपयोग नहीं कर सकती। उसी दिन से उसका दिल जनता से फिर गया था। जिस दिन नादिर और लैला ने फिर तेहरान में पदार्पण किया, सारा नगर उनका अभिवादन करने के लिए निकल पड़ा। शहर पर आतंक छाया हुआ था। चारों ओर करुण रुदन की ध्वनियां सुनाई देती थी। अमीरों के मोहल्ले में श्री लौटती फिरती थी, गरीबों के मोहल्ले उजड़े हुए थे। उन्हें देखकर कलेजा फट जाता था। नादिर रो पड़ा, लेकिन लैला के होठों पर निष्ठुर निर्दय हास्य की छटा दिख रही थी। नादिर के सामने अब एक विकट समस्या थी। वो नित्य देखता कि मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं होता, और जो नहीं करना चाहता हूँ वो होता है, और इसका कारण थी लैला। पर वो कुछ नहीं कह सकता था। लैला उसके हर काम में हस्तक्षेप करने लगी। वो जनता के उपकार और उद्धार के लिए जो भी विधान बनाता, लैला उसमें कोई न कोई विघ्न अवश्य डाल देती और उसे चुप रहने के सिवा कुछ न सोचता। लैला के लिए उसने एक बार राज्य का त्याग कर दिया था, तब आपत्ति काल ने लैला की परीक्षा ली थी। इतने दिनों की विपत्ति में लैला के चरित्र का उसे जो अनुभव प्राप्त हुआ था, वो इतना मनोहर, इतना सरस था कि वो लैलामय हो गया था। लैला ही उसका स्वर्ग थी, उसके प्रेम में रत रहना ही उसकी परम अभिलाषा थी। इस लैला के लिए क्या वो कुछ ना कर सकता था? प्रजा की और साम्राज्य की उसके सामने क्या हस्ती थी? इस भांति 3 साल बीत गए। प्रजा की दशा दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन नादिर शिकार खेलने गया और अपने साथियों से अलग होकर जंगल में भटकता फिरा। यहाँ तक कि रात हो गई और साथियों का पता भी न चला। घर लौटने का रास्ता भी वो न जानता था। चलते चलते जंगल के दूसरे सिरे पर उसे एक गांव नजर आया, जिसमें मुश्किल से 3-4 घर होंगे। हाँ, एक मस्जिद अलबत्ता बनी हुई थी। मस्जिद में एक दीपक टिमटिमा रहा था, पर किसी आदमी या आदम जात का कोई निशान न था। आधी रात से ज्यादा बीत चुकी थी।
इसीलिए किसी को कष्ट देना उचित नहीं था। नादिर ने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और मस्जिद में रात काटने की ठानी। वहाँ एक फटी सी चटाई पड़ी थी, वो उसी पर लेट गया। दिन भर का थका था, लेटते ही नींद आ गई। मालूम नहीं वो कितनी देर तक सोता रहा, पर किसी की आहट पाकर चौंका तो क्या देखता है, एक बूढ़ा आदमी बैठा नमाज पढ़ रहा था। नादिर को आश्चर्य हुआ कि इतनी रात गई नमाज कौन पढ़ रहा है। उसे ये खबर न थी कि रात गुजर गई है और ये फजर की नमाज है। वो पड़ा पड़ा देखता रहा, वृद्ध पुरुष ने नमाज अदा की, फिर वो छाती के सामने अंजलि फैलाकर दुआ मांगने लगा। दुआ के शब्द सुनकर नादिर का खून सर्द हो गया। वो दुआ उसके राज्यकाल की ऐसी तीव्र, ऐसी वास्तविक, ऐसी शिक्षाप्रद आलोचना थी जो आज तक किसी ने न की थी। उसे अपने जीवन में अपना अपयश सुनने का अवसर प्राप्त हुआ था। वो ये तो जानता था कि मेरा शासन आदर्श नहीं है, लेकिन उसने ये कल्पना भी नहीं की थी कि विपत्ति इतनी असह्य हो गई है। दुआ ये थी, ए खुदा, तू ही गरीबों का मददगार और बेकसों का सहारा है। तू इस जालिम बादशाह के जुल्म देखता है, फिर भी तेरा कहर उस पर नहीं गिरता। ये बेदीन काफिर एक हसीन औरत की मोहब्बत में अपने को इतना भूल गया है कि आंखों से देखता नहीं है, न ही कानों से सुनता है। अगर देखता है तो उस औरत की आंखों से, सुनता है तो उस औरत के कानों से। अब ये मुसीबत नहीं सही जाती, या तो तू उस जालिम को जहन्नुम तक पहुंचा दे, या हम बेकसों को दुनिया से उठा ले। ईरान उसके जुल्मों से तंग आ चुका है, तू ही उसके सिर से इस बला को टाल सकता है। बूढ़े ने अपनी छड़ी संभाली और चलता बना, लेकिन नादिर मृतक की भांति वहीं पड़ा रहा, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। एक सप्ताह तक नादिर दरबार में न आया, न किसी कर्मचारी को अपने पास आने की आज्ञा दी। दिन बदिन अंदर पड़ा सोचा करता कि मैं क्या करूं, नाम मात्र को कुछ खा लेता। लैला बार बार उसके पास जाती और कभी उसका सिर अपनी गोद में रखकर, कभी गले में बाहें डालकर पूछती, तुम क्यों इतने उदास और मलीन हो। नादिर उसे देखकर रोने लगता, पर अपने मुंह से कुछ नहीं कहता। यश या लैला, यही उसके सामने कठिन समस्या थी। उसके हृदय में भीषण द्वंद चल रहा था और वो कुछ निश्चय नहीं कर पाता। यश प्यारा था, पर लैला उससे भी प्यारी थी। वो बदनाम होकर जिंदा रह सकता था, पर लैला के बिना वो जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। लैला उसके रोम रोम में व्याप्त थी। अंत में उसने निश्चय लिया, लैला मेरी है और मैं लैला का हूँ, न मैं उससे अलग न वो मुझसे जुदा। जो कुछ भी वो करती है वो मेरा है, और जो कुछ भी मैं करता हूँ उसका है, और मेरा और तेरा का भेद है ही कहाँ। बादशाहत नश्वर है, प्रेम अमर। हम अनंत काल तक एक दूसरे के पहलू में बैठे स्वर्ग के सुख भोगेंगे। हमारा प्रेम अनंत काल तक आकाश के तारों की भांति चमकेगा। नादिर प्रसन्न हो उठा, उसका मुख विजय की लालिमा से रंजित हो रहा था, आंखों में शौर्य टपक रहा था। वो लैला के प्रेम का प्याला पीने जा रहा था, जिसे एक सप्ताह से उसने मुंह नहीं लगाया था। उसका हृदय उसी उमंग से उछल पड़ता था जो आज से 5 साल पहले उठा करती थी। प्रेम का फूल कभी नहीं मुरझाता, प्रेम की नींद कभी नहीं उतरती, लेकिन लैला के आराम गाह के द्वार बंद थे, और उसका डफ जो द्वार पर नित्य एक खूंटे पर लटका रहता था वो गायब था। नादिर का कलेजा सन्न सा हो गया। द्वार बंद रहने का आशय तो ये हो सकता है कि लैला बाग में होगी, लेकिन डफ कहाँ है। संभव है वो डफ लेकर बाग में गई होगी, लेकिन यहाँ इतनी उदासी क्यों है, ये हसरत क्यों बरस रही है। नादिर ने कांपते हाथों से द्वार खोल दिया, लैला अंदर नहीं थी। पलंग बिछा हुआ था, शमा जल रही थी, वजू का पानी रखा हुआ था,
नादिर के पांव थर्राने लगे। क्या लैला रात को भी नहीं सोई? कमरे की एक एक वस्तु में लैला की याद थी, उसकी तस्वीर थी, उसकी महक थी, लेकिन लैला नहीं थी। मकान सोना मालूम होता था और ज्योति नेत्रहीन। नादिर का दिल भर आया, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि किसी से कुछ पूछे। हृदय इतना कातर हो गया कि हत बुद्धि की भांति फर्श पर बैठकर बिलख बिलख कर रोने लगा। जब जरा आंसू थमे तब उसने लैला के बिस्तर को सूंघा कि शायद लैला के स्पर्श के कुछ गंध आए, लेकिन खस और गुलाब की महक के सिवा और कोई सुगंध न थी। सहसा उसे तकिए के नीचे से बाहर निकला हुआ एक कागज का पुर्जा दिखाई दिया। उसने एक हाथ से कलेजे को संभालकर पुर्जा निकाला और सहमी हुई आंखों से उसे देखा। एक निगाह में सब कुछ मालूम हो गया। वो नादिर की किस्मत का फैसला था। नादिर के मुंह से निकला लैला, और वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। लैला ने पुर्जे पर लिखा था, मेरे प्यारे नादिर, तुम्हारी लैला तुमसे जुदा होती है हमेशा के लिए। मेरी तलाश मत करना, तुम मेरा सुराग न पाओगे। मैं तुम्हारी मोहब्बत की दासी थी, तुम्हारी बादशाहत की भूखी नहीं। आज एक सप्ताह से देख रही हूँ, तुम्हारी निगाहें फिरी हुई है, तुम मुझसे बोलते भी नहीं, मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, मुझसे बेजार रहते हो। मैं किन किन अरमानों से तुम्हारे पास आती हूँ और कितनी मायूस होकर लौट जाती हूँ, इसका तुम अंदाज भी नहीं लगा सकते। मैंने इस सजा के लायक कोई काम नहीं किया है। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के ख्याल से किया। एक हफ्ता मुझे रोते हुए गुजर गया। मुझे मालूम हो रहा है कि अब तुम्हारी नजरों से मैं गिर गई हूँ, तुम्हारे दिल से निकाल दी गई हूँ। ये 5 साल हमेशा याद रहेंगे, हमेशा तड़पाते रहेंगे। यही डफ लेकर आई थी और यही लेकर जाती हूँ। 5 साल की मोहब्बत के मजे उठाकर जिंदगी भर के लिए हसरत का दाग लिए जाती हूँ। लैला मोहब्बत की दासी है, जब मोहब्बत ही नहीं रही तो लैला क्यों कर रहेगी? रुक सकते।